ओके, नाउ वी डिस्कस द न्यू टॉपिक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस. ओके, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन. बेसिक यू नो दैट द आइसोमेट्रिक इज लाइक द 3D व्यू. ओके, इट्स द वन काइंड ऑफ 3-dimensional ऑब्जेक्ट. ओके, हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. इन इंजीनियरिंग ड्राइंग द ऑर्थोग्राफिक व्यू शो ओनली 2-dimensional. ओके, आपको पता है जब हम ऑर्थोग्राफिक ड्रॉ कर रहे थे तो ऑर्थोग्राफिक में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू ड्रॉ करते थे. ओके, तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू में बेसिकली एक्सिस दो ही थी, एक्स और वाई. ओके, तो बेसिकली ऑर्थोग्राफिक बेसिकली कितने था, इट्स 2-dimensional ऑब्जेक्ट. ओके, मीन्स के एक्स एंड वाई. ओके, सिर्फ के दो ही साइड आएगी, मीन्स के लेंथ होगी तो लेंथ आएगी और हाइट होगी तो हाइट आएगी. ओके, लेंथ और हाइट, तो विड्थ उसमें कंसिडर नहीं होगी. क्लियर, तो विड्थ अगले व्यू में कंसीडर होगी. मीन्स कि आप जो व्यू ड्रॉ कर रहे हो वो ऑर्थोग्राफी का 2-dimensional है. क्लियर, फ्रॉम द 2-dimensional इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दी ऑब्जेक्ट. आपको पता है कि 2-dimensional ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट 2-dimensional होगा तो बेसिकली उसको बेसिकली आपको जज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. ओके, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पता है इस तरह से कोई ड्रॉइंग हो तो आपको बेसिकली इसको जज करना बेसिकली थोड़ा सा मुश्किल रहेगा कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा है. ओके, तो बेसिकली इसमें बोला हुआ है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दी ऑब्जेक्ट. ओके, इन दी ऑर्थोग्राफिक व्यू. क्लियर, ओके, बट इन 3-dimensional व्यू यू कैन बी फुली एंड इजीली अंडरस्टैंड दी पर्सन विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज. आपको पता है कि ऑब्जेक्ट 3-dimensional होगा. ओके, 3-dimensional मीन्स के 3D ऑब्जेक्ट. ओके, तो 3D ऑब्जेक्ट आपके पास इस तरह से रखा हुआ है. ओके, इस तरह से एक बेसिकली रेक्टेंगुलर ब्लॉक रखा हुआ है, तो आपको बेसिकली उसको पहचान पाओगे कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है. ओके, आप इजीली उसको बेसिकली, आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा तो भी आप इजीली देख के ये बोल दोगे कि ये बेसिकली रेक्टेंगुलर ब्लॉक टाइप शेप है. ओके, तो क्लियर, तो 3-dimensional मीन्स आइसोमेट्रिक व्यू में क्या होगा, क्या बेसिकली इजीली आप उसे देख के बता सकोगे और उसमें कोई टेक्निकल नॉलेज की भी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, तो इट इजी to understand the object view. ओके, और क्या, the process to convert the 2-dimensional view into the pictorial projection. ओके, अब हम क्या करते हैं, आपको पता था ऑर्थोग्राफिक में हम क्या करते थे, ऑर्थोग्राफिक में आप 3D का मीन्स के दैट वन इज योर 3D ऑब्जेक्ट, तो ऑर्थोग्राफिक में 3D का 2D में कन्वर्ट करते थे. ओके, 3D का 2D में कन्वर्ट करते थे. ओके, तो ये क्या है, दैट इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन. तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आपको आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक ड्राइंग आपको दिया होगा. ओके, तो आपको आइसोमेट्रिक व्यू इस तरह से दिया होगा, मीन्स के दैट वन टाइप. ओके, तो बेसिकली सॉरी ऑर्थोग्राफिक में आपको आइसोमेट्रिक व्यू दिया होगा. ओके, और आइसोमेट्रिक जो व्यू आपको जब ड्रॉ करना होगा तो उसके लिए आपको क्या दिया होगा, 2D, उसके लिए क्या दिया होगा, 2D ऑब्जेक्ट दिया होगा, मीन्स के इस तरह से कोई भी एक ऑब्जेक्ट दिया होगा. ओके, तो आपको इसका किस में कन्वर्ट करना है, ओके, उसका 3D में. ओके, उसको किस में कन्वर्ट करना है, 3D में, इसलिए इसमें लिखा है द प्रोसेस टू कन्वर्ट द 2-dimensional व्यू इनटू द पिक्टोरियल व्यू. पिक्टोरियल व्यू मीन्स द 3D व्यू. पिक्टोरियल व्यू मीन्स द 3D व्यू. क्लियर, ओके, ऑर्थोग्राफिक में आप क्या करते हो, 2D का 3D में कन्वर्ट करते हो, और आइसोमेट्रिक में आप क्या करते हो, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में आप 2D का 2D टू 3D. ओके, कन्वर्ट 2D ऑब्जेक्ट इनटू 3D ऑब्जेक्ट. ओके, तो द प्रोसेस इज कन्वर्ट द 2-dimensional व्यू टू द पिक्टोरियल प्रोजेक्शन. ओके, इट्स नोन एज द आइसोमेट्रिक ड्राइंग. ओके, इट्स नोन एज द आइसोमेट्रिक ड्राइंग. आइसोमेट्रिक ड्राइंग और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हम बाद में देखेंगे. ओके, पर आइसोमेट्रिक ड्राइंग आपको पता होना चाहिए कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में क्या करते हैं कि हम 2D ऑर्थोग्राफिक के जैसे 2D व्यू का आप 3D व्यू में ड्रॉ करते हो. ओके, अब ये थोड़ा समझ लेते हैं. आइसोमेट्रिक ड्राइंग इज अ टाइप ऑफ द पिक्टोरियल प्रोजेक्शन इन विच 3-dimensional ऑफ द सॉलिड आर नॉट ओनली शोन इन वन व्यू बट देयर एक्चुअल शेप एंड साइज कैन बी डायरेक्टली मेजर. ओके, आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या है कि वो एक टाइप का कोई 2D ऑब्जेक्ट नहीं है. ओके, 2D ऑब्जेक्ट होगा तो बेसिकली लेंथ और हाइट होगी या लेंथ और विड्थ होगी. ओके, बट आइसोमेट्रिक बेसिकली व्यू कैसा है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग कैसा होगा, उसमें आपको 3D ऑब्जेक्ट मिलेगा. कौन सा ऑब्जेक्ट मिलेगा, 3D ऑब्जेक्ट मिलेगा. मीन्स के 3D ऑब्जेक्ट मीन्स के इसमें आप इस तरह से, इसमें आप सभी ऑब्जेक्ट को बेसिकली मीन्स के सभी व्यू को आप बेसिकली देख सकते हो. ओके, आइसोमेट्रिक व्यू में क्या होगा, आप इसको देख सकते हो, इसमें आप इस व्यू, ये व्यू और ये व्यू, सभी व्यू को आप बेसिकली ऑब्जर्व कर सकते हो. ओके, तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग इज द टाइप ऑफ द पिक्टोरियल प्रोजेक्शन विच द 3-dimensional ऑफ द सॉलिड आर नॉट ओनली शोन इन वन व्यू. ओके, आप इसको कोई भी एक व्यू में बेसिकली इंडिकेट नहीं कर सकते जो ऑर्थोग्राफिक में करते हैं. ऑर्थोग्राफिक में सिर्फ ये हो तो एक ही व्यू यहाँ पे दिया होगा.
टॉप हो तो टॉप एक ही व्यू दिया होगा, साइड हो तो साइड व्यू यहाँ पे दिया होगा, ओके। तो बेसिकली एक व्यू को आप देख के जज नहीं कर सकते कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, ओके। तो बेसिकली ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग आपको फ्रीडम देता है कि आपको वो बेसिकली सभी व्यू इंडिकेट करेगा, मीन्स के सभी वो व्यू आपको शो करेगा, तो इससे आप पहचान सकते हो वो ऑब्जेक्ट कौन सा है, ओके। और ईजिली आप उसके माप मेज़र कर सकते हो, ओके, ईजिली आप उसके माप मेज़र कर सकते हो, क्लियर, मेज़र फ्रॉम इट, ओके, क्लियर, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ओके। अब एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या है, कि एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज द वन ऑफ द पिक्टोरियल प्रोजेक्शन मेथड लाइक द ऑब्लिक प्रोजेक्शन और प्रिस्पेक्टिव प्रोजेक्शन, ओके। एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द रेफरेंस एजिस ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द प्रोजेक्शन ऑफ रेफरेंस प्लेन। एक्सोमेट्रिक प्रोजेक्शन कैन बी क्लासीफाइड इन थ्री कैटेगरी, ओके। अब एक्सोमेट्रिक प्रोजेक्शन मीन्स के आइसोमेट्रिक व्यू है, इसमें जो एजिस है वो बेसिकली क्या होगी, इंक्लाइंड होगी, एजिस क्या होगी, बेसिकली इंक्लाइंड होगी। तो एक्सोमेट्रिक प्रोजेक्शन में बेसिकली ऑब्लिक क्या बोलते हैं, ऑब्लिक आपको पता होगा, दैट वन इज योर एक्सिस, ओके। यहाँ पे आप बेसिकली इसको कंसीडर करोगे तो यहाँ पे इसका सेंटर और इसका सेंटर, ये क्या होगा, एक्सिस होगा। तो ऑब्लिक क्या होता है, एक्सिस क्या होगी, एक्सिस इंक्लाइंड होगी, एक्सिस क्या होगी, इंक्लाइंड होगी। बट एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज वन काइंड ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को बेसिकली तीन कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड कर सकते हो, एक तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, डायमेट्रिक प्रोजेक्शन और ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन, ओके। एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन को आप बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक एंड ट्राइमेट्रिक, ओके। तो ये बेसिकली थोड़ा पढ़ लेता हूँ वापस। एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज वन ऑफ द पिक्टोरियल प्रोजेक्शन मेथड, ओके। एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या है, वन काइंड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का बेसिकली आप जैसे ड्रॉ करते हो प्रोजेक्शन से वही है, ओके। और प्रोजेक्शन कैसे, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ओके, और द प्रिस्पेक्टिव प्रोजेक्शन, ओके, इज कॉल्ड एज द एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अब एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बेसिकली कैटेगरी थ्री आपको मैं बोली, मैंने आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक और ट्राइमेट्रिक, ओके। अब इनमें से पहली देख लेते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ओके। अब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या होगा कि जब भी आप आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करते हो तो आपको पता है कि बेसिकली यहाँ से जो एंगल आएगा, दैट वन इज जो 30 डिग्री, ओके। तो यहाँ से भी एंगल कितना आएगा, दैट वन इज जो 30 डिग्री। तो 30 डिग्री एंगल लेके यहाँ पर लेंथ हाइट आपको दी होगी, उससे आप बेसिकली ये बॉक्स टाइप एक व्यू ड्रॉ करोगे। अब जब बॉक्स वाइज आप ड्रॉ करोगे, ओके, तो बेसिकली आपको पता है दैट वन एंगल, दैट वन मीन्स के ये क्या हो जाएगा, दैट वन इज योर एक्स, दैट वन इज योर वाई, मीन्स के दैट वन इज योर वाई एंड दैट वन इज योर जेड। तो आपको बेसिकली तीन एक्सिस मिलेगी, एक्स, वाई और जेड, ओके। तो एक्स से वाई, वाई से जेड और जेड से एक्स, इनका एक्सिस का एंगल आपको दिया हुआ है अल्फा, बीटा और गामा, ओके। तो ये सभी एंगल होंगे, ये एंगल कितने होंगे, दैट इज 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री। मीन्स कि आप बेसिकली तीनों को बेसिकली सम करोगे तो आपको एंगल कितना मिलेगा, दैट इज योर 360 डिग्री, ओके। तो बेसिकली आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में, ओके, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या होगा, ये सभी एंगल आपके सेम होंगे, ओके। और बेसिकली ओ टू ए, ओ टू बी और ओ टू सी, ये सभी जो लेंथ है वो भी क्या होगी, सेम होगी। मीन्स के ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओके। अल्फा, बीटा और गामा, मीन्स के सभी एंगल आपके 120, 120 और 120 होंगे, तो ही बेसिकली जो व्यू है उसको आप क्या बोलोगे, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ओके। यहाँ मैं पढ़ लेता हूँ, इफ द ऑब्जेक्ट इज सो प्लेस दैट इट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर एजिस मेक्स ए इक्वल एंगल विद द प्लेन, ओके। ये बेसिकली जो एजिस है वो एक्चुअल में क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ये एजिस सब परपेंडिकुलर होगी, पर परपेंडिकुलर कैसी होगी, ये सभी एजिस आपकी इक्वल होगी, ओ ए, ओ बी और ओ सी, वो सभी इक्वल होगी और उनके सभी के एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, मीन्स के 120, 120 और 120, ओके। तो इस टाइप के ड्रॉइंग को आप क्या बोलोगे, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, उस मेथड को क्या बोलोगे, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन मेथड, ओके। इसको क्या बोलोगे, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन मेथड, ओके। इफ द ऑब्जेक्ट इज सो प्लेस दैट इट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू एजिस में इक्वल एंगल, ओके, इक्वल एंगल आ गया, अल्फा बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, प्लेन ऑफ द प्रोजेक्शन दैट ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, मीन्स ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, वो तीनों क्या होगा, सेम होगा, एंड एक्सोनोमेट्रिक एंगल अल्फा बीटा एंड गामा, मीन्स अल्फा बीटा और गामा, वो भी क्या होंगे, आर इक्वल, ओके। तो इस टाइप की मेथड को क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन मेथड, ओके। ये याद रखना, शायद थियरी में आपको पूछे कि डिफरेंस बिटवीन आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक या ट्राइमेट्रिक, ओके, या पूछा हो कि एक्सप्लेन द एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ओके। एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन में कुछ है नहीं, जो हमने थियरी पढ़ी वही है, उसके तीन पार्ट है, आइसो, डाया और ट्राइमेट्रिक, ओके। और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में तो जो फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट में आपको याद रखना कि उसके सभी एंगल सेम होंगे और सभी लेंथ क्या होगी, सेम होगी, ओके। तो इस कॉल्ड इज द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन मेथड, ओके। नाउ वी डिस्कस द डायमेट्रिक प्रोजेक्शन,
क्लियर। अब डायमेट्रिक प्रोजेक्शन में आप ध्यान से पढ़ लो, इफ द टू म्यूचुअली पर, उसमें क्या बोला था, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मींस के OA, OB और OC वो तीनों तीन सेम थी, इसमें क्या होगा कोई भी दो साइड सेम होंगी, मींस के OA और OB आर इक्वल, बट OC है वो उसको इक्वल नहीं होगी, मींस ओके OA और OB ये इक्वल होगी और उसके एंगल भी सेम होंगे, बट OC जो है, जो OC है वो बेसिकली आपकी सेम नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे लिखा है इफ द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट आर इक्वली इंक्लाइन, ओके एंड थर्ड एजेस इज इंक्लाइन एट अदर एंगल, ओके बेसिकली OA, OB एंड OC ये बेसिकली आपके पास तीन साइड है, ओके और एंगल भी आपके पास है तीन एंगल है, मींस यहाँ पे क्या होगा OA और OB, OA और OB आर इक्वल है, ओके बट जो OC है इज नॉट इक्वल, OC है जो इज नॉट इक्वल, ओके तो दो साइड उसकी सेम होगी पर थर्ड साइड उस बेसिकली सेम नहीं होगी, वो थोड़ी अलग होगी। इस तरह से अल्फा और बीटा, इसके एंगल अल्फा और बीटा दैट इज योर 120, दैट इज योर 130 और दैट इज योर समथिंग, ओके मींस के कोई भी एंगल होंगे 120 यहाँ पे कंसीडर करो, इसमें तो अलग अलग एंगल आएंगे, तो अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा वो दोनों सेम होंगे बट जो थर्ड एंगल है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, ओके तो इस टाइप को बेसिकली क्या बोलते हैं डायमेट्रिक प्रोजेक्शन, ओके वापस पढ़ लेता हूँ। इफ द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट आर इक्वली इंक्लाइंड एंड थर्ड एजेस इज इंक्लाइंड एट अदर एंगल, ओके जो थर्ड एजेस होगी वो डिफरेंट होगी। अब द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन मीन्स OA एंड OB, मैंने बोला OA एंड OB ये दोनों सेम होंगी एंड ओके वो एजिस क्या होगी सेम होगी एंड द एक्सोनोमेट्रिक एंगल बिटवीन दिस टू एजिस इज ऑल्सो इक्वल, ओके एक्सोनोमेट्रिक एंगल मीन्स के इन दोनों के बीच का जो OA और OB है तो मीन्स के यहाँ से जो एंगल है मीन्स का अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा क्या होंगे इज इक्वल टू, ओके बट जो बेसिकली गामा है अल्फा इज इक्वल टू बीटा बस नॉट इक्वल टू गामा, ओके ये दो एंगल सेम होंगे पर ये एंगल थोड़ा सा डिफरेंट होगा, सेम OA इज इक्वल टू OB बस नॉट इक्वल टू OC, OA और OB सेम होगा पर OC उससे थोड़ा डिफरेंट होगा, ओके ओके द टू एज इज ऑल्सो इक्वल टू देन द प्रोजेक्शन मेथड इज नोन एज द डायमेट्रिक प्रोजेक्शन, ओके आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या होता है तीनों साइड और तीनों एंगल सेम होंगे, जब डायमेट्रिक प्रोजेक्शन मेथड में क्या होगा डायमेट्रिक प्रोजेक्शन में कोई भी दो लेंथ होगी वो सेम होगी और दो एंगल सेम होंगे और थर्ड एंगल और थर्ड लेंथ डिफरेंट होगी, ओके तो उसको क्या बोलेंगे डायमेट्रिक प्रोजेक्शन मेथड, क्लियर ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक इसका ले लेता हूँ, सॉरी उसी में देख लेते हैं और कौन सा बाकी रहा, ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन मेथड, ओके अब ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या होगा, आइसोमेट्रिक में क्या था थ्री साइड इक्वल थी, डायमेट्रिक में क्या था टू साइड थी, पर इसमें कोई भी साइड और कोई भी एंगल सेम नहीं होगा। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस सच दैट द परपेंडिकुलर एजेस हैव नॉट इक्वल एंगल विद द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, दैट मीन्स उसकी AA, OB, OC, मीन्स के OA, OB और OC, बेसिकली OA इज नॉट इक्वल टू OB, OB इज नॉट इक्वल टू OC, देन द प्रोजेक्शन मेथड, ओके OA नॉट इक्वल टू OB, नॉट इक्वल टू OC, देन द प्रोजेक्शन मेथड इज नोन एज द ट्राइमेट्रिक्स, ओके इसमें क्या होगा OA, OB और OC, OA इज नॉट इक्वल टू OB इज नॉट इक्वल टू OC, मीन्स के ये तीनों लेंथ की अलग अलग होगी, मीन्स के एंगल भी कितना, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, मीन्स के तीनों एंगल डिफरेंट हो गए, ओके तो उस मेथड को क्या बोलेंगे दैट मेथड इज ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन मेथड, ओके दैट मेथड इज नोन एज ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन मेथड, ओके शायद आपको बेसिकली डिफरेंट पूछा हो तो याद रखना आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में तीनों लेंथ और तीनों एंगल सेम होंगे, डायमेट्रिक में दो लेंथ और दो एंगल सेम होंगे और ट्राइमेट्रिक में कोई भी लेंथ इक्वल नहीं होगी, कोई भी एंगल इक्वल नहीं होगा, ओके क्लियर। तो दैट इज द थियरी ऑफ द एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, क्लियर ओके। अब एक टॉपिक देख लेते हैं आइसोमेट्रिक स्केल, आइसोमेट्रिक स्केल आपको पता है आइसोमेट्रिक स्केल जैसे हमने बेसिकली स्केल वाले चैप्टर में देखा था प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल, ओके इसी तरह से बेसिकली आइसोमेट्रिक व्यू में एक स्केल यूज होती है दैट इज योर आइसोमेट्रिक स्केल, ओके तो आइसोमेट्रिक स्केल इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन द लेंथ ऑफ द ईच आइसोमेट्रिक लाइन इज 0.815 टाइम्स टू द नॉर्मल लाइन, ओके एक्चुअल में क्या होगा आपको एक लेंथ दी होगी, ओके उस लेंथ को आपको बेसिकली आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना हो, मीन्स के आइसोमेट्रिक स्केल में कन्वर्ट करना हो तो उसको आपको 0.815 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके तो वो क्या बन जाएगी आइसोमेट्रिक स्केल बन जाएगी, ओके तो यहाँ पे आइसोमेट्रिक स्केल का मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है दैट इज योर आइसोमेट्रिक स्केल फॉर्मूला, तो आइसोमेट्रिक स्केल, तो आइसोमेट्रिक स्केल मीन्स के आइसोमेट्रिक लेंथ क्या होगी इज इट्स इक्वल टू 0.816 इंटू नॉर्मल स्केल, 0.816 इंटू नॉर्मल स्केल, ओके यहाँ पे 816 आएगा, सॉरी दैट इज 0.816, ओके
आपको आइसोमेट्रिक स्केल बोला हो कि ड्रॉ दी आइसोमेट्रिक स्केल, तो मैं यहाँ पे मैं एक एग्जांपल तो बता देता हूँ कि आइसोमेट्रिक स्केल कैसे ड्रॉ करनी है। आपको एक लेंथ दी होगी मीन्स के नॉर्मल स्केल, ओके, नॉर्मल स्केल इज इक्वल टू 100, ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल है, द नॉर्मल स्केल इज इक्वल टू 100 mm, ड्रॉ दी आइसोमेट्रिक स्केल, ओके। आपको बेसिकली नॉर्मल स्केल की आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करनी है, और बेसिकली आप बेसिकली डिफाइन करोगे तो आइसोमेट्रिक स्केल आपको यहीं से मिल जाएगी। आइसोमेट्रिक स्केल इज इक्वल टू 0.816 इंटू नॉर्मल स्केल, बट आपको पता है आइसोमेट्रिक व्यू हम कितने एंगल पे ड्रॉ करते हैं, 30 डिग्री पे, ओके। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक स्केल जब ड्रॉ करनी हो आपको, तो यहाँ से बेसिकली मैं एक रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ, दैट वन, ओके। यहाँ पे ओ और सी और ओ बी दिया है, मैं इसको ओ दे देता हूँ, ओके। तो यहाँ से मैं कितना एंगल लूँगा, 30 डिग्री, और दूसरा एंगल लूँगा मैं यहाँ से 45 डिग्री, ओके। यहाँ पे दो एंगल लेंगे, मींस यहाँ पे जो मिलेगी वो आपको आइसोमेट्रिक लेंथ मिलेगी, और यहाँ पे जो मिलेगी आपको नॉर्मल लेंथ मिलेगी, ओके। तो यहाँ से 30 और यहाँ से 45 डिग्री मैं ले लेता हूँ, क्लियर। ये एंगल मैंने लिया है, दैट वन इज़ योर 30 डिग्री एंड दैट वन एंगल इज़ योर 45 डिग्री, जो शायद आपको आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करनी बोली हो किसी भी लेंथ की, तो आपको इस तरह से फाइंड करनी, ओके। तो बेसिकली नॉर्मल स्केल, तो नॉर्मल स्केल का माप आपको दिया हुआ है, दैट इज 100 mm, तो ये क्या आएगा, दैट इज़ योर नॉर्मल स्केल एंड दैट इज़ योर आइसोमेट्रिक स्केल, ओके, एंड दैट इज़ योर रेफरेंस लाइन, ओके। तो यहाँ से हम बेसिकली ये लेंथ ले लेंगे, दैट वन इज़ योर कितनी, 100, ओके, दैट लेंथ इज योर 100, क्लियर। ये लेंथ हमने कितनी ली, दैट इज योर नॉर्मल स्केल लेंथ, दैट इज योर नॉर्मल स्केल लेंथ इज इक्वल टू 100 mm, ये लेंथ हमने 100 mm ले ली, ओके। अब क्या करूँगा, यहाँ से इस लाइन को परपेंडिकुलर इसको ज्वाइन करना है, मीन्स के इस तरह से, ओके, ये नॉर्मल स्केल में कि इस लाइन को परपेंडिकुलर यहाँ पे लास्ट पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है, मीन्स कि ये जो है बेसिकली ये जो स्केल मिलेगी आपको, ओके, तो दैट वन इज योर आइसोमेट्रिक स्केल लेंथ, ओके, वो आपको फाइंड करनी है। आप इसको यहाँ से मेजर कर दोगे, ओके, तो वो अप्रोक्सीमेटली आपको 82 mm के आसपास ही मिलेगी, ओके। आप बेसिकली इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे तो बेसिकली वो कितने है कि 81.6 हम करते हैं, ओके। जब भी आपको आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करना बोला तो इस तरह से ड्रॉ करना है, यहाँ से रेफरेंस लाइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, इसको भी मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ओके। स्केल तो पता है, आप स्केल के कितने भी पार्ट डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पे 10 है तो मैं 1 सेंटीमीटर के 10 पार्ट कर देता हूँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके। अब कुछ करना है, ये तो बेसिकली आपका स्पेस है, ये आपकी स्केल आएगी। अब इस लाइन को जो आपने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, उस लाइन को पैरेलल सभी लाइनें ड्रॉ कर देनी है जो आपने 1 सेंटीमीटर के डिवाइड किए पार्ट, ओके। मीन्स इसको मैं ले लूँ तो दैट इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, सेम, दैट इज़ योर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1, ओके। तो बेसिकली ये आपको स्केल मिल जाएगी, मीन्स कि इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, दैट वन इज़ योर 15 डिग्री, क्योंकि आपको पता है ये 30 है और ये 45, तो माइनस ये कितना होगा, 15 डिग्री होगा, ओके। और इसके बेसिकली 10 है तो 1 mm के आप पार्ट यहाँ पे कर दोगे, ओके। मैं 2-2 mm के पार्ट करता हूँ, यानी मैं 5 ही पार्ट करूँगा यहाँ पे, 1, 2, 3 and 4, ओके। तो ये आपकी बेसिकली स्केल होगी, ये नॉर्मल स्केल की लेंथ आपको दी हुई थी 100 mm, और आपने आइसोमेट्रिक स्केल की लेंथ जो फाइंड की यहाँ से मेज़र करके, वो कितनी आएगी, 82 mm, ओके। तो आप भी बेसिकली जब भी आप बेसिकली आइसोमेट्रिक प्रोजेक्ट,
ओके तो जब भी आपको बेसिकली आइसोमेट्रिक मीन्स ऑर्थोग्राफिक व्यू दिया होगा और उसका बेसिकली आपको 2D का 3D व्यू करना होगा, तो बेसिकली वो लेंथ को आपको किसके इतने बड़े 0.816 के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके मीन्स कि ये बेसिकली आपके एक स्केल का व्यू मैंने दिया है, ओवरव्यू दिया है कि जब भी बेसिकली आपको पता है ऑर्थोग्राफी की जो लेंथ होगी वो बेसिकली 0 डिग्री पे होगी। ओके पर 0 डिग्री और 45 डिग्री आप देख सकते हो, ये लेंथ और ये लेंथ आप मेजर करोगे दोनों सेम ही आएंगी। ओके अप्रोक्सीमेटली ओके मीन्स कि आपको जो बेसिकली लेंथ फाइंड करनी है ये शायद सेम ना हो, तो बेसिकली आपको जो लेंथ फाइंड करनी है तो बेसिकली यहाँ से जो एक्चुअल में नॉर्मल स्केल आपको दी हुई है, पर नॉर्मल स्केल का आपको क्या करना पड़ेगा आइसोमेट्रिक स्केल में कन्वर्ट करके ही आपको व्यू ड्रॉ करना है। मैंने आपको बेसिकली वो व्यू बताए थे, अगर आगे मैं आपको बेसिकली आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का डिफरेंस अभी बता रहा हूँ आगे, पर ये आइसोमेट्रिक स्केल आपको ड्रॉ करना बोला तो इसी तरह से करना है। ओके ये मैंने बेसिकली प्रैक्टिकली ग्राफिकली कर दिया। ओके मैंने ग्राफिकली ये ड्रॉ कर दिया, आपको इसको न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना, तो आइसोमेट्रिक स्केल का आपके पास फॉर्मूला है, तो मैं यहाँ पे बेसिकली यही बेसिकली स्केल लेके डायरेक्ट मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, तो आइसोमेट्रिक स्केल इज इक्वल टू 0.816 इंटू आइसोमेट नॉर्मल स्केल, तो नॉर्मल स्केल की लेंथ कितनी, दैट इज 100 mm, तो बेसिकली ये आंसर कितना मिलेगा आपको पता, 816 अपॉन 1000, क्योंकि नीचे करोगे तो वो हो जाएगा इनटू 100। ओके तो आपको आंसर मिलेगा 81.6, तो अप्रोक्सीमेटली 82 mm। ओके तो आगे आंसर यानी थोड़ा प्लस माइनस होगा। ओके तो आइसोमेट्रिक स्केल आपको बोला था, आइसोमेट्रिक स्केल की लेंथ आपको इस तरह से फाइंड करनी है आइसोमेट्रिक स्केल को। ओके तो बेसिकली आपको जब डायरेक्टली कैलकुलेट करना हो ऑर्थोग्राफी का 3D आप जब ड्रॉ करोगे तो आप डायरेक्टली इसको ड्रॉ कर सकते हो, आपकी नॉर्मल स्केल की जो लेंथ दी हुई उसको आपको 0.816 से मल्टीप्लाई करना है, और जो भी लेंथ आएगी वो लेंथ आपको 30 डिग्री पे ड्रॉ करनी है। ओके क्योंकि हम आइसोमेट्रिक व्यू जो ड्रॉ करते हैं वो तो 30 डिग्री पे ही ड्रॉ करते हैं, तो ये जो लेंथ आएगी वो बेसिकली आपकी आइसोमेट्रिक स्केल की लेंथ आएगी, मीन्स के जो लेंथ आपको ऑर्थोग्राफिक में दी हुई है उसको 0.816 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका आइसोमेट्रिक स्केल। अब यहाँ पे आइसोमेट्रिक लेंथ आपको 100 दी हुई है, शायद इसमें 80 दी हुई, तो इसको 80 को 0.816 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 70 हो तो 70 को, मीन्स कि इस तरह से ही आएगा कि नॉर्मल स्केल आपकी 45 डिग्री पे होगी और आइसोमेट्रिक स्केल आपकी 30 डिग्री पे होगी। ओके तो दैट इज़ योर आइसोमेट्रिक स्केल। आपको शायद 2 या 3 मार्क में पूछते हैं बेसिकली ड्रॉ दी आइसोमेट्रिक स्केल और आपको एक लेंथ दी होगी और जो लेंथ दी होगी वो नॉर्मल लेंथ की दी होगी। ओके और शायद कुछ ऐसा एग्जांपल पूछा होगा जिसमें आपको आइसोमेट्रिक स्केल की लेंथ दी होगी, तो आपको उल्टा करना है, आपको यही करना है, सेम इस लाइन को ड्रॉ करना है, यहाँ से 30 डिग्री को लाइन ड्रॉ करना है, आइसोमेट्रिक स्केल की आपको लेंथ दी हुई है तो वो लेंथ को यहाँ मेजर करना है और इस लाइन को आपको एक्सटेंड करना है। ओके और जो आपने 45 डिग्री पर लाइन तो आप ड्रॉ करने ही वाले हो। ओके तो ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट होगी तो आपको बेसिकली नॉर्मल लेंथ मिल जाएगी, और बेसिकली मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे तो बेसिकली आइसोमेट्रिक स्केल लेंथ आपको दी हुई हो तो यहाँ पे आइसोमेट्रिक स्केल की लेंथ लिखनी है, डिवाइड बाय 0.816 करना है, तो यहाँ पे नॉर्मल स्केल आपको मिल जाएगी। आइसोमेट्रिक स्केल दी हुई तो आइसोमेट्रिक स्केल का माप यहाँ लिख देना, इस बेसिकली 0.816 को आप नीचे ले जाना पड़ेगा और नॉर्मल स्केल, तो मीन्स इसको डिवाइड करोगे आइसोमेट्रिक स्केल को 0.816 से डिवाइड करोगे तो आपको नॉर्मल स्केल डायरेक्टली मिल जाएगी। क्लियर, तो दैट इज योर आइसोमेट्रिक स्केल। ओके वी डिस्कस दिस आइसोमेट्रिक स्केल, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक वी कवर इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके थैंक यू।